मदनी के, तुमने सती को शिव के प्रति उकसाने का अपराध किया है। बोलो, अपराध स्वीकार है? निसंकोच होकर दंड दीजिए मुझे। अभी इसी क्षण नगर छोड़कर चली जाओ। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा जाना तो निश्चित था प्रजापति। अब आपने समय भी बता दिया, धन्यवाद। मदनिके से पहले किसी और को यह घर छोड़कर निकलना होगा। तेरे सामने इस शिवलिंग को तोड़ूंगा। इसके टुकड़े दरवाजे की हर चौखट पर डाल दूंगा। ताकि प्रजापति के आने वाले हर व्यक्ति के चरणों को ठोकर उसे। मेरी दृष्टि में शिव का स्थान क्या है, यह भी सती को सदैव याद रहेगा। प्रजापति का अहंकार भगवान से भी बड़ा बनना चाहता है। आज आपको प्रजापति के अहंकार को तोड़ना ही होगा महादेव। आज कोई चमत्कार दिखाना ही होगा शिव को, दिखाना ही होगा। नहीं पिताजी, और कितना अपमानित होंगे आप।
मुझे ये शिवलिंग नहीं चाहिए मदनी की। आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। अब जाइए यहां से। जाइए। वैसे भी तुझे शिवलिंग की क्या आवश्यकता? शिव तो सदैव तेरे हृदय में रहते। देख लिया आपने प्रजापति, अहंकार ईश्वर से बड़ा नहीं होता, शिव को शक्ति से नहीं केवल भक्ति से उठाया जा सकता है। पिताजी, मदनिकी को रोक लीजिए। पिताजी, मदनिकी को रोक लीजिए। उनका कोई दोष नहीं, उन्होंने तो मुझे रोकने का प्रयास भी किया था। उनका कोई दोष नहीं पिताजी, उनका कोई दोष नहीं।